वो तो मेरे लिए कुछ नहीं करते, घर में कुछ भी नहीं। लड़ाई झगड़ा था वो समाप्त हो चुका है। तो सुबह सुबह चलिए मेरे किचन में आप सबको लेके चलते हैं। और सुबह सुबह लग गए हैं हम, और इधर अभी नहाना धोना कुछ भी नहीं हुआ है। और हस्बैंड जी ड्यूटी से एक आए थे, और अब इसका भी हमको परेशानी परेशान कर रही थी क्योंकि वो भी सुबह उठ गई थी। और इधर बन रहा है गर्मा गर्म इडली, और आप लोग पीछे वीडियो में बताए थे आप लोगों को इडली का बैटर हम तैयार करने के लिए तैयार करने वाले थे, इसी वजह से तैयार हो रहा था। और इधर भुजा रहा है मेरा चटनी के लिए, और इसी तरीके से हम सब बना लेते हैं। मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल अमिष्का रियल लाइफ ब्लॉग। कैसे हैं आप सब, स्वागत करती हूँ आप सभी को एक न्यू ब्लॉग में। तो सुबह सुबह मॉर्निंग का समय है और अभी बज रहा है 8:30। तो नाश्ता पानी हो गया है, मतलब किए नहीं है, बन गया है। और हस्बैंड जी आए थे ड्यूटी से, तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि हम लोग का जो लड़ाई झगड़ा था वो समाप्त हो चुका है, और हम लोग एक दूसरे से अच्छे से बात भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है कि होता है ना कि जब आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो घर एकदम सूना लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमको तो बिल्कुल पसंद नहीं आता एक घर में रहना, एक घर में खाना पीना और एकदम अलग बातचीत करना ही नहीं, तो अच्छा नहीं लगता है। पर ऐसे ही सारे में बात होता था, ऐसा नहीं होता तो चलता नहीं, क्योंकि वो उनको मेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। और फिलहाल मतलब टोटल चीज़ A to Z मतलब उनके लिए हम करना धरना सब हम ही करते हैं, वो तो मेरे लिए कुछ नहीं करते घर में कुछ भी नहीं। हाँ करते हैं, मतलब जो बाहर में काम धाम जो है कमा करके लाते हैं तो घर चलता है, उन्हीं की वजह से चलता है। बस वो है, इसी वजह से ऐसे बात उत होता था, फ़ोन में भी होता था कभी कभी, बात कुछ लाना हो या कुछ ऐसे करके होता था। तो पूरा मतलब 1.5 दिन हम लोग का आपस में बात नहीं हुआ, तो रात में ही हुआ था बात हम लोग का। तो हम चलते हैं किचन में, और इडली बनाए हुए थे तो देखते हैं इसका हाल क्या है, क्योंकि इसको एक बार ये क्या बोले ये निकाल दिए हैं, और अभी चटनी बनाए नहीं है, भूज भाज के रखे हुए हैं चटनी, और उसके बाद चटनी बनाएंगे। आज तो मज़ा आने वाला है क्योंकि गर्मी का मौसम था, और प्लस इडली बहुत अच्छा लगता है, इडली चटनी बहुत टेस्टी लगता है। सांभर हम लोग को पसंद ज़्यादा नहीं आता है चटनी, ये इडली के साथ वड़ा के साथ सांभर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसी वजह से सांभर नहीं बनाया है। तो अभी एक राउंड निकाले हैं, दूसरा राउंड भी निकालेंगे, और दिखाते हैं आप सबको कितना सॉफ्ट बना है आज का इडली। और गर्मी मौसम में क्या होता है, बहुत जल्दी तैयार भी हो जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और सुबह सुबह का नाश्ता मिल जाए इडली तो बस मत पूछिए। सबको मेरे घर में टोटल व्यक्ति को पसंद है, सिवाय अमिष्का से, अमिष्का का कोई नाता नहीं है ये सब चीज़ से, क्योंकि उसके लिए फिर खाना बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिए, और आप लोग अच्छा वाला प्यारा वाला ख्याल जरूर रखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इधर चटनी का तैयारी हो रहा है, अभी इडली निकालेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए दिए हैं, और ठंडा होने के बाद क्या होता है बहुत ही आसानी से बिना मतलब मेहनत किए वो निकल जाता है आपस से, और ऐसे बिना मतलब जल्दी से जैसे एक और देना, देखिए मिर्चा हम कम दे रहा है वो, और इसमें थोड़ा मिर्चा चटनी मज़े नहीं लगेगा, मतलब थोड़ा टेस्टी कम लगेगा, थोड़ा तीखा नहीं रहेगा। तो ये नारियल देख रहे हैं, नारियल लाए थे सुबह सुबह हस्बैंड जी लेकर के आए थे, तो इधर मैं मिर्ची दे देते हैं तोड़ करके, और लहसुन है, और कड़ी पत्ता भी आरब सुबह सुबह लेकर के आ गया था क्योंकि छोंक लगाना है चटनी में। और इसमें चटनी में है बादाम और चना दाल, सब भूज लिए थे उसको, और उसके बाद फिर नारियल को डाल दिए हैं। तो नारियल डालने से और चटनी का मतलब मजबूत बन जाता है चटनी, और बढ़िया लगता है खाने में। तो इसी के साथ आप लोग फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को, और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए और ज़्यादा कीजिए। चटनी भी पिसा गया है मेरा, इसको और थोड़ा पतला करना है। हाँ बेटा, इडली मस्त है,
और चॉकलेट हम दिखाते हैं आपको, ये देखो चॉकलेट रुआ जैसा है। लिली खाएगी, लिली खाना है तुमको, इसकी वजह से तुमको कितना दें? हमको दो चार खा लेगा, चार तभी देंगे, ऐसे नहीं देंगे, पहले तीन खा के देखते हैं, लेकिन छोड़ देता है। और चटनी देख सकते हैं क्या लाजवाब चटनी है, तो ये लोग स्टार्ट कर दिए हैं इडली खाने के लिए। कैसा है ना, सुबह सुबह ड्यूटी से आने के बाद जो एक्स्ट्रा नाश्ता मिले तो मजा ही अलग है, मजा ही है। क्या बेटा आरापुर बहुत दिन से इडली खाने का मन कर रहा था, चलिए खाइए और ठीक है और सोतिए। तो मेरे तरफ से सभी दोस्तों तो बाय, और हम लोग दोनों के बीच में जो लड़ाई था वो लड़ाई समाप्त हो गया है इस इडली से, मतलब कोई लड़ाई नहीं है, ऐसे नोकझोंक होते रहता है, होना भी चाहिए था बाबू, लेकिन अब हमको तक मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं ना कीजिएगा आप हमसे, पहले वादा कीजिए यहीं। हाँ प्यार होता है, लड़ाई झगड़ा तो होना ही होना, नोट जोक तो होता ही है, कंपटीशन नहीं करना बेटा, तो चलिए ठीक है, ओके बाय बाय।